सब साइंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम गेहूं के रोगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो गेहूं को रोगों के बारे में अध्ययन करते हुए हमने कई मुख्य रोगों को अध्ययन कर लिया है। आज हम रस्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने रस्ट के दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपको स्टम रस्ट और लीफ रस्ट के बारे में बताया गया है। आज हम जिस रस्ट के बारे में बात करेंगे, उसको कहते हैं स्ट्राइप या येलो रस्ट, जिसका काजल ऑर्गेनिज्म पक्सिनिया स्टेरी फार्मिस है। सिम्टम के बारे में जाने तो इसका सिम्टम आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। और कि मिलेगा किस रूप में, ये यूरिडोस्पोर के रूप में प्राइमरी इन्फेक्शन होगा, तो उसी के रूप में आपको ये प्राइमरी जनवरी में देखने को मिलेगा। और ये इसका जो इनिशिएशन है डिजीज का, वो लीफ से शुरू होगा। और हमने इसका नाम देखा जैसे स्ट्राइप और येलो रस्ट। तो येलो रस्ट इसको क्यों कहते हैं? येलो रस्ट इसको इसके यूरिडो सोराई के कारण कहते हैं, क्योंकि ये येलो कलर का इसमें यूरिडो सोराई बनता है, इसीलिए इसको येलो रस्ट के नाम से भी जानते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा कि जो स्टेम था उसमें टीलियोसोराई जो है ब्लैक कलर में बदल जाता था, और जो आपका लीफ रस्ट था उसमें यूरिडोसोराई जो है ऑरेंज या ब्राउन कलर में बदल जाता था, इसीलिए उनको ऑरेंज या ब्राउन रस्ट के नाम से जाना गया। और इसको यहाँ पर जो स्ट्राइप या येलो रस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो यूरिडोसोराई है वो येलो कलर में परिवर्तित हो जाता है। और सीवियर कंडीशन में ये क्या है, पूरे पत्ती पे तो फैलेगा ही फैलेगा, उसके साथ होता क्या है, ये लीफ शीथ पे भी इसका जो अटैक आपको देखने को मिल सकता है इस डिजीज का, मतलब कि ये जो स्ट्राइप रस्ट का जो सिम्टम है। सोराई की बात करें तो ये इलांगेटेड होता है और अरेंज्ड इन रो बिटवीन वीन। तो जो लीफ वीन होता है, जैसे सपोज करो कि ये सही नहीं बना पाएंगे, मगर कोशिश करते हैं बनाने की। ये मान लो पत्ती है, ठीक है कोई, या फिर इस प्रकार से गेहूं की पत्ती कुछ ऐसे लंब रूप में होती है, आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी। तो ये जो इस प्रकार से मान लो गेहूं की पत्ती है, तो इसमें जो वीन, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वीन्स होती हैं, ऐसे ऐसे वीन होती हैं। तो इन वीन के बीच में आपको इस प्रकार से कुछ सिम्टम दिखाई इसके इसके दे सकते हैं। और इसी मतलब कि ये वीन के बीच में लाइन लाइन के रूप में आपको ऐसे मिलेंगे, इसी कारण से इसको स्ट्राइप रस्ट के नाम से जाना जाता है। तुमने देख लिया इसको येलो रस्ट क्यों कहते हैं और स्ट्राइप रस्ट क्यों कहते हैं। येलो रस्ट इसलिए कहते हैं इसके येलो कलर के यूरिडोसोराई के कारण, और इसको स्ट्राइप रस्ट इसके इसलिए कहते हैं कि इनका सिम्टम जो है लीफ वीन के बीच में पाया जाएगा। लेटर कंडीशन में जो टीलियोसोराई यूरिडो स्पोर से बनेगा और ये लाइनियर फैशन में अरेंज हो जाएगा, जैसे हमने यूरिडोसोराई की बात की। तो जो ये रोग है आपका स्ट्राइप रस्ट, ये सबसे ज्यादा डेंजरस रोग है नॉर्थ इंडिया के लिए। अगर नॉर्थ इंडिया में कोई अगर रस्ट सबसे ज्यादा प्रिवेल है, या फिर सबसे ज्यादा जो इन्फेक्ट करता है वीट के प्लांट को या वीट के फील्ड को, वो सबसे ज्यादा आपको स्ट्राइप रस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं ये पत्ती हो गई और इसमें ये विंस लॉन्गिट्यूडनल विंस होती हैं। देखो यहाँ से आपको ये यहाँ से और फिर आपको यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं स्ट्राइप रस्ट। और ये जो पीले पीले वास्तव में आपको दिख रहे हैं, ये आपको इनको हमने बताया ये यूरिडो सोराई होते हैं। बात करते हैं इसको जो सिम्टम है, सिम्टम के डिपेक्शन की, हमने इसको कुछ इस प्रकार से डिपिक्ट किया है। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होगा यूरिडो स्पोर से होगा, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो भी वीट में यूरिडो स्पोर से होगा, और जो टीलियोसोराई है वो ब्लैक कलर में बदल जाएगा, और जो लीफ इसकी है लीफ पे येलो कलर के आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे। और इसी के कारण, क्योंकि हमने बताया ये सबसे ज्यादा डेंजरस रस्ट है नॉर्थ इंडिया के लिए और हैवी लॉस काज करता है और बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है।